शाजिया जी, जहाँ एक नारी की बात होती है तो एक बेटी, एक माँ, एक महिला, उसके बाद गृहिणी, और अब अगर उन महिलाओं की बात करें जो आज समाज में, समाज को भी एक बहुमूल्य देन दे रही हैं, वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो एक राजनीतिज्ञ भी है, तो शाजिया इल्मी खुद को क्या कहलाना पसंद करती हैं और क्यों? मुझे लगता नहीं कि शाजिया इल्मी किसी एक बक्से में बंद की जा सकती है, नहीं की जा सकती। और हमारे अंदर की जो एक चिंगारी है, एक रेवोल्यूशनरी है, एक जील है, एक इनकलाबी, एक वो है मशाल, वो जलती रहती है। तो बतौर बहैसियत बेटी, बहैसियत माँ, बहैसियत एक्टिविस्ट, आप अपने अलग अलग किरदार निभाते हैं जी। तो जैसे कि कहते एक शेर है कि हो मेरे शेर गो खवास पसंद, लेकिन मेरी गुफ्तगू आवाम से है। तो बातचीत लगातार होती है और अलग अलग रोल्स बदलते हैं। एक बहुत बड़ी राइटर रही हैं वर्जीनिया वुल्फ, और उनके पिताजी कहते थे कि आप ये पढ़ाई लिखाई बेटों के लिए है, और तुम्हें बाहर नहीं भेजा जाएगा एक वक्त के बाद पढ़ने के लिए। तो उन्होंने इस बात को कहा, और उन्होंने कहा कि सारी लाइब्रेरीज को बंद कर दो, मुझे कैद में रख दो, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो जी, लेकिन मेरे दिमाग में जो आइडियाज़ हैं, जो उपज है, जो सोच है, जो अरमान है, जो ख्वाहिश है, जो ख्वाब हैं, उस पर ताला नहीं लगा सकते जी, ताला नहीं लगा सकते वाकई। तो और मैं उस घर से हूँ, कानपुर शहर चमनगंज इलाके में, जहाँ पे लिटरली कहा जाता है ना कि विमेन कैन बी सीन बट नॉट हर्ड। तो भाई महिलाएं दिखें, सुनी नहीं जाए ज़्यादा, क्योंकि उनका ज़्यादा बोलने उलने का काम नहीं है। पर मुझे तो बहुत सवाल पूछने थे, तो अम्मी परेशान हो जाती थी, वो है ना तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं जी। क्योंकि मेरे बड़े सवाल होते थे, कुछ बहुत सारी बुनियादी चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी। और मैं सोचती थी कि भाई जिस्मानी तौर पर महिला और पुरुष अलग अलग हैं, जाहिर है एनाटमी मुख्तलिफ है ना, अब बेटी है बेटा है जाहिर है, लेकिन अरमान तो वही हैं, ख्यालात तो वही हैं, गुस्सा तो वही है, मोहब्बत तो वही है, जज्बात तो वही हैं, तकलीफ तो वही है। तो सिर्फ जिस्मानी अंतर और उसके वजह से पूरे आपके ख्वाहिश ही बदल जाए, आपके ख्वाब ही बदल जाए, आपकी तकदीर ही बदल जाए, ये तो नाइंसाफी है जी। और अल्लाह ताला तो इंसाफ पसंद है, ये नाइंसाफी तो बर्दाश्त नहीं होगी। अगर अल्लाह ताला को सिर्फ जिस्मानी अंतर करना होता तो दिमाग बराबर से क्यों देता जी, प्रतिभा टैलेंट बराबर से क्यों देता, सोचने की कुव्वत क्यों देता, एनालाइज करने की शक्ति क्यों देता? अगर अल्लाह ताला ने ये सब भी दिया है तो उसका भी इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। तो इस तरह के सवाल भी लगातार मैं पूछती आ रही हूँ, पूछती रहूँगी। बहुत से लोगों को परेशान मैंने किया है, खुद को भी बहुत परेशान किया है जी। लेकिन ये बहुत ही एक शानदार सफ़र रहा है, बहुत तकलीफ़ें भी रही हैं इसमें।